पब्लिक टीवी आपकी आवाज। नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने सोमवार को रामगंगा नदी किनारे अटल घाट पर स्थापित भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा और घाट सहित 66 करोड़ रुपए की लागत की नगर विकास विभाग की परियोजनाओं और कार्यों का वर्चुअल लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शहरों के चतुर्थिक विकास को संकलित कर रही है। स्थानीय स्तर पर आयोजन के मुख्य अतिथि नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने कहा कि पढ़ाई के दौरान मुरादाबाद पीतल नगरी यादों में बसा है। भारत रत्न जननायक अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से बने घाट और उनकी प्रतिमा का लोकार्पण करने का सौभाग्य उनका रहा है। उनकी प्रेरणा से शहर को विकास के नए आयाम गढ़ने के लिए मिलकर काम करें। स्वर्गीय वाजपेयी भाजपा के वट वृक्ष के नीम हैं। महापौर विनोद अग्रवाल ने कहा कि आज हम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी प्रतिमा और अटल घाट के लोकार्पण के माध्यम से याद कर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। नगर आयुक्त संजय चौहान ने बताया कि 2018 अगस्त में अटल बिहारी वाजपेयी का अस्थि कलश मुरादाबाद के इस घाट पर विसर्जित की गई थी। अटल घाट और अटल प्रतिमा के अलावा 66 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया है। चाबी आज आपको मिली है, कैसा लग महसूस कर रहे हैं? किसके द्वारा चाबी दी गई आज? ये थोड़ा तेज नहीं बोल सकते? सावित्री। कहाँ रहते हैं आप? कल्याणपुर। हाँ, आज आप कहाँ पर आए थे और क्या कार्यक्रम में थे? हम अटल बिहारी का उद्घाटन में आए। हाँ, तो आप यहाँ पर, आपको क्या मिला है आज? चाबी मिली है। कहीं की चाबी मिली है? मकान की। मकान मतलब हमें पैसा मिला था, हमने मकान बनाया। अच्छा, तो आप खुश हैं? बहुत खुश हैं हम तो। क्या कहना चाहेंगे इस सरकार को? हम बहुत खुश हैं, मतलब उनके लिए बहुत बहुत चाहेंगे। क्या नाम है आपका? आज आप कौन से कार्यक्रम आए थे और क्या मिला है आपको? हमें कॉलोनी मिली थी। किसके द्वारा दी गई? मोदी कलंग से। मोदी जी के। क्या कहेंगे आप, जैसे आपको आवासीय योजना मिली? मिला था हमें, पहले राशन भी नहीं मिलता था, राशन मिला और सिलेंडर नहीं मिला हमें, सिलेंडर भी मिला, राशन कार्ड भी नहीं था हमारा पहले, हमें कुछ नहीं मिला था। कॉलोनी भी मिली है हमें, मतलब इस उसमें हमें सब कुछ मिला जो हमें पहले कभी कुछ नहीं मिल पाया। आप खुश हो? हम तो बहुत खुश हैं। सरकार से बहुत खुश हैं? बहुत ज्यादा खुश हैं हम तो। क्या कहेंगे मोदी जी के लिए? मोदी के लिए हम तो हाथ जोड़ के अपने नमस्ते कर रहा हूँ उनसे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद उनके। आ जाओ आप। हाँ, आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया था आपके द्वारा? क्या क्या आज कार्यक्रम था यहाँ पर? अटल प्रतिमा जी का लोकार्पण था, उसमें हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 10 लाभार्थियों को चाबी का वितरण किया गया माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से। कितने लाभार्थियों को चाबी आज? 10 लाभार्थियों को चाबी वितरण किया। क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे लाभार्थियों को, क्या संदेश देना चाहेंगे? लाभार्थियों को यही संदेश देना चाहेंगे कि 2.5 लाख रुपए उनको 3 किश्तों के माध्यम से जो सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, इतनी बड़ी धनराशि उनको दी जा रही है, तो वो अपना पैसा और थोड़ा सा लगा के अगर अच्छा मकान बना लेंगे तो हमेशा के लिए उनकी पीढ़ियाँ उसमें रहेंगी और उनको अच्छा जीवन व्यतीत करने का मौका मिलेगा। ठीक है, थैंक यू मैम। दीपावली के दिन अनंत चतुर्दशी माँ मंदिर, आज के दिन हम माँ गंगा को याद करते हैं, माँ गंगा को दीप दान करते हैं। आज के दिन हमने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित किए और आज यहाँ देव दीपावली भी शाम को मनाई जाएगी। आज नगर विकास मंत्री माननीय ए के शर्मा जी के द्वारा आज अटल घाट का वर्चुअल लोकार्पण किया गया और आज यहाँ 25 फीट ऊंची अटल जी की प्रतिमा का लोकार्पण हुआ। सारे भाजपा के संगठन के और हमारे पार्षद बंधु उपस्थित हैं, सबका आभार। और आने वाले टाइम में ये जगह पर्यटन की दृष्टि से भी एक रमणीक स्थान बने ऐसा प्लानिंग है और आगे यहाँ पर हमने अटल घाट पर सीढ़ी और ऐसा करने का प्लान है कि रामगंगा परमानेंट यहाँ पर बहती रहे ताकि आगे यहाँ पर लोग नहाते भी रहें और पर्वों पे अपना कार्य करते रहे। मैं अटल जी के चरणों में पुनः श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा हूँ। आने वाली पीढ़ी उनके लिखे हुए लेख जो चारों तरफ लिखवाए हैं उससे प्रेरणा लेंगे और अपने जीवन को सार्थक करेंगे, ऐसा मेरी सोच है।
और मैं सबका आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।